अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ काश और आप सभी देख रहे हैं हमें रेडियो पैगाम शोपियान के डिजिटल मीडिया हैंडल से। तो आज हम आप लोगों को एक नई शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो सिर्फ हमारे शोपियान के नहीं, हमारे कश्मीर के नहीं, पर हमारे पूरे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ट्रक व्लॉगर हैं। तो उनका नाम आप लोग जानते होंगे, सेठी एक्सप्रेस। तो सेठी भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो सेठी भाई, आप अपनी इंट्रोडक्शन वैसी दीजिए जैसे आप अपने व्लॉग्स में देते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। मैं हूँ आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। आप अभी मुझे देख रहे हो पैगामे शोपियां रेडियो 89.6 एफएम पर। तो सेठी भाई, आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। भाई, अगर हम जर्नी की स्ट्रगल की बात करें तो बहुत लंबी कहानी है, अब हम ज़्यादा मतलब शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम पूरी स्टोरी मतलब अभी यहाँ पे शेयर करेंगे तो मतलब मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा ही हमारा वीडियो बन जाएगा। अब मैं शॉर्ट ही आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सब लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे मैंने ऐसे बताई है अपनी जर्नी, अपना स्ट्रगल बताया है कि हम शॉर्ट ही लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद जब घर के कुछ ऐसे हालात थे तो मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ के कमाने में लग गया, क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो मैंने सोचा थोड़ा चंद पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, बट जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं पूरे, वो सब ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, कोई मतलब पैसेंजर गाड़ी चलाता है, कोई ट्रकिंग कर रहा है, वैसा ही ख्याल मेरे दिल में भी आ गया। तो मैंने सोचा मैं मतलब यही ट्रक का ही काम स्टार्ट करूँ, भी एक अच्छा ड्राइवर बन पाऊँ, मतलब क्योंकि हमारे देश को एक मतलब ड्राइवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे फौजी बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, वैसे एक ड्राइवर भी दिन रात हमारे देश के लिए मतलब ड्यूटी देता है, जैसे फौजी देता है वैसे हम भी मतलब दिन रात करके देश को चलाते हैं। तो व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भाई? अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूँ तो मतलब आप ऐसा समझो, मेरे दिल में, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से आप ऐसा समझो, जब ऊपर वाले को देना होता है मतलब किसी इंसान को रेस्पेक्ट या दौलत पैसा, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। अब ऐसा समझो मतलब मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मैंने मतलब उतनी पढ़ाई की कि मैं सोचता कि मैं एक अच्छा व्लॉगर बन पाऊँ या यूट्यूबर बन पाऊँ, बट मुकद्दर में था। तो अब ऐसा समझो, जब मैं पहले पहले ट्रक चलाने लगा तो मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हो तो फिर जब आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, तब मतलब आप अपने आप पे एक प्राउड फील करते हो। वैसा ही मेरे दिल में भी था। मैं मतलब जब खलासी का काम किया, मैं सोच रहा था मैं कब एक अच्छा ड्राइवर बन पाऊँ, क्योंकि जो अपने गांव के मतलब फ्रेंड सर्कल होता है या गांव के लोग होते हैं या मतलब बाकी लोग होते हैं जो देखते हैं कि ये ऐसा काम कर रहा है, क्या पता कामयाब होगा। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है फिर कोई बड़ा एग्ज़ाम देता है तो सब लोग उसके इंतज़ार में होते हैं कि नहीं ये कामयाब, ये क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं। वैसा ही मेरे माइंड में मैं भी था। अब शॉर्ट ही बात करते हैं, जब मैं ड्राइवर बना तो मैंने सोचा अब मैं अपने गाँव वालों, अपने रिश्तेदारों को दिखाऊँ कि नहीं मैं एक अच्छा ड्राइवर बन पाया। मैंने इतनी मेहनत 3-4 साल खलासी का काम किया तो अब मैं एक अच्छा ड्राइवर बन गया। जब मैं ड्राइवर बन गया तो मुझे बहुत शौक था कि मतलब वीडियोज़ वगैरह शूट करने का, ताकि उन वीडियोज़ के थ्रू मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं ये ड्राइवर बन गया, ये बिल्कुल गाड़ी चला रहा है, ठीक है। वैसा ही ख्याल था। हम दिल्ली गए थे लास्ट चक्कर, मेरे साथ जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था, ओनर की गाड़ी व्हील शोपियान की, उसका छोटा भाई था ओनर का, आबिद उसका नाम है, उसने दिल्ली से नया फ़ोन लिया। तो फिर जब हम वहाँ से सफ़र कर रहे थे अपने घर की तरफ, आपको पता ही होगा हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मतलब अक्सर जाम हमें देखने को मिल ही जाता है, मतलब कभी लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी कुछ होता है, तो उसकी वजह से जाम लगा रहता है और वन वे कानवाई चलती है, उस रीज़न से भी मतलब ट्रैफिक जाम लग ही जाता है। तो उस टाइम पे एक सॉन्ग था, टिकटॉक चल रहा था तब हमारे इंडिया में, उस पर एक गाना वायरल था, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, वो टिकटॉक पे मैं सुनता रहता था और मैंने मतलब रील्स 2-3 भी उस पर डाले थे। मतलब जब मैं रात को सफ़र कर रहा था जम्मू से कश्मीर की तरफ, मैं वही गाना सुन रहा था, बट मैंने वो गाना इतनी बार रिपीट किया था कि मतलब मुझे वो पूरा याद आ गया था। तो मैं उसी पे खूब मतलब अपने अंदाजे से नाच रहा था, एक्शन कर रहा था, लिपसिंग कर रहा था। जो भाई साथ था जिसने फ़ोन लिया था, मतलब आपको पता ही होगा कोई भी नया चीज़ खरीदते हैं तो पहले चेक करते हैं कैमरा कैसा है, वो कैसा है, फ़ोटो शूट करते हैं, रील शूट करते हैं, वैसे ही वो भी शूट कर रहा था, बट मुझे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, मुझे पता नहीं था वो मेरा वीडियो उठा रहा है। तो मैं खूब गाने पे मसरूफ़ था। बिल्कुल।
उसने जब वो वीडियो शूट किया तो बट वो वीडियो बहुत ही प्यारा था, जब उसने मुझे दिखाया तो मतलब मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको बोला अब मैं इसको रखूँ तो कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वगैरह मतलब उतना हैवी नहीं था और मतलब ऐसे चेंज करते रहते थे, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मुझे बिल्कुल सेव होना चाहिए, मतलब कहीं डिलीट ना हो जाए। तो ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ईमेल आईडी बनी थी, तो वो इसलिए मुझे याद थी क्योंकि उसके बीच में 7-8-6 आ रहा था, जैसे मैं अभी भी आपको बताऊँगा @gmail.com। उसमें जब 7-8-6 मतलब जिस टाइम पे वो क्रिएट की थी, उस 7-8-6 की वजह से वो मुझे ऑलरेडी अब याद ही थी। वैसे फ़ोन चेंज करते हैं तो ईमेल भी दूसरी मतलब यूज़ करते हैं, तो मैंने YouTube पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे रखा तो ऑन द वे जुम्मू लगा दिया, तो बस बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। फिर 2-3 महीने हो गए तो लोग मुझे देखते थे, बोलते थे सब्सक्राइबर आ गए, बस मैंने 1000 सब्सक्राइबर देखे हैं पहले, फिर उसके बाद सीधा मैंने 20,000-30,000, तो फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया। लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे सेठी भाई आप व्लॉग बना वो करो ये करो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम मतलब उतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में, इसीलिए मतलब थोड़ा लेट ही हुआ। तो चलो फिर शुक्र अल्लाह का, उसके बाद जब लोग कमेंट्स कर रहे थे प्यारे प्यारे बोल रहे थे कि आप व्लॉगिंग करो वैसे बोलो, फिर मैंने उसी तरह कंटिन्यू किया, तो माशाल्लाह अभी इस मुकाम पे पहुंचा। और शुक्रिया उन सब लोगों का जिन लोगों ने एक आम इंसान को इतना खास बनाया। तो सेठी भाई आपकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो लोगों ने देखे होंगे, सब लोगों ने मैक्सिमम देखे होंगे, आप हमारे से कोई ऐसी मोमेंट फ़नी मोमेंट शेयर करें जो हमारी ऑडियंस को पता नहीं होगी। बिल्कुल सर, वो तो शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि फ़नी मोमेंट्स तो हमारे मतलब जो ट्रैकिंग लाइफ है उसमें तो होते रहते हैं। बिल्कुल, अब सबसे पहला फ़नी मोमेंट ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रक के साथ गया, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं पहले चक्कर गया, तो फिर जब वहाँ से वापस आया, मतलब मुझे फिर मतलब ये माइंड में नहीं था कि मुझे वापस जाना है, मैं सोच रहा था कि मुझे भागना है, मुझे घर जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मतलब 5-6 दिन सोए नहीं और आदत नहीं, फर्स्ट टाइम गया था तो बहुत बुरी हालत हुई थी। फिर मैं सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। तो मतलब फिर जब हम वहाँ से किनो भर के आए, उबूर गंगानगर पंजाब में पड़ता है, वहाँ से हमारा जो गाड़ी का लोडिंग था बुकिंग था वो श्रीनगर कश्मीर फ्रूट मंडी अनलोडिंग पॉइंट था, तो वहाँ जब हम पहुँचे तो अच्छे से, फिर मैं सोच रहा था मैं घर जाऊँगा, मतलब मुझे नहीं जाना है अब। और घर वाले भी परेशान हो गए क्योंकि अचानक से मैं गाड़ी के साथ गया था, फिर जब वहाँ से आया तो घर जाना था। और जो उस्ताद था जिसके साथ मैं गया था वो भी मतलब रात को चल रहा था, फिर मैं उससे पहले ही उठा, वो अंदर गाड़ी में सोया था, पीछे अनलोडिंग चल रही थी गाड़ी की, मिट फ्रूट मंडी अनलोडिंग पॉइंट था, तो वहाँ जब हम पहुँचे तो अच्छे से, फिर मैं सोच रहा था मैं घर जाऊँगा, मतलब मुझे नहीं जाना है अब। और घर वाले भी परेशान हो गए क्योंकि अचानक से मैं गाड़ी के साथ गया था, फिर जब वहाँ से आया तो घर जाना था। और जो उस्ताद था जिसके साथ मैं गया था वो भी मतलब रात को चल रहा था, फिर मैं उससे पहले ही उठा, वो अंदर गाड़ी में सोया था, पीछे अनलोडिंग चल रही थी गाड़ी की, तो अनलोडिंग चल रही थी, वो गाड़ी में सोया था, मैं सोच रहा था मुझे अब भागना है, मैं कैसे निकलूँ, मतलब इतना डर था। और मतलब किराया वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा ट्रक में पैसे मतलब पड़े रहते, उतने नहीं कि जो भाड़ा वगैरह सब पैसा होता है वो उतना नहीं होता है, बस यही खाने पीने के लिए 100-200 तो होते ही रहते डैशबोर्ड पे आगे। तो मैंने वहाँ से खाली 50 रुपये उठाए, वो जेब में रखे, और गाड़ी साफ करने के बहाने में नीचे उतरा और वो टाकी कपड़ा लेके आया, तो मैं सोच रहा था फिर इसको कपड़ा मारूं तो उसी के साथ में भाग जाऊंगा। तो मैंने काम क्या किया, उस गाड़ी में मतलब स्लाइड जो होते हैं ना खिड़की ट्रक की, वो स्लाइड थी, तो मैंने वो ऐसे बंद किए, लास्ट में पहले अच्छे से गाड़ी को कपड़ा मारा, फिर लास्ट में ये बंद किया और उसी कपड़े से बांधा, वो जो उनका हैंडल दो था तो उसको बांधा, क्योंकि मैंने सोचा वो मतलब अगर बारी खोल देगा तो उसको वो खुलेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास चाबी होती मैं बाहर से उसको लॉक रखता उस्ताद को ताकि वो मेरे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए मैंने मतलब उसी कपड़े से फिर वो बंद किया बारी, दोनों हैंडल बंद किए और ऊपर से ये मारा कपड़ा और निकल गया, दौड़ के भाग गया बराबर बटवाल में मेरे पीछे। क्या बात है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि आप गाने भी गाते हो, आपके गाने में बहुत सारे व्यूज हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, बिल्कुल, ये बताइए कि गाने की शुरुआत कहाँ से हुई। गाने की शुरुआत ऐसे हुई, जब भी हम मतलब अपने ट्रक में रात को सफ़र करते हैं तो आपको पता ही होगा जो एक ट्रकर या ड्राइवर की बात करें हम, वो तो गाने सुनते रहते हैं। चलो अगर हम यहाँ लोकल की बात करें, इधर पैसेंजर वगैरह में अलाउड नहीं होता है, जो ट्रक होता है वो अपनी मन मर्जी की होती है, जो मर्जी वो चला, ऐसा नहीं है कि पीछे पैसेंजर होगा, ऐसा नहीं कि पीछे पैसेंजर बैठा होगा वो बोलेगा वो गाना बंद करो चेंज करो क्या कर रहे हो आवाज़ कम करो, ऐसा नहीं, क्योंकि 10-10 दिन 20-20 दिन
10 दिन या 20 दिन का सफर होता है तो उसमें हमें मतलब फ्रेंकली बैठना पड़ता है, सारा जो भी गम दुख होता है दूर करना पड़ता है, तब भी हम मस्त अच्छे से गाने सुनते रहते हैं। तो उसी के साथ मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया कि मतलब मैं सोच रहा था काश मैं भी गाना गा पाऊँ और फिर मैं भी रात को अपनी गाड़ी में अपना ही गाना सुनूँ तो कितना मजा आएगा। मतलब ये एक अंदर से जहन में आ गया कि नहीं मैं भी गाना एक रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं भी एक गाना रिकॉर्ड करूँ और फिर अपनी ट्रक में सुनूँ तो मतलब अलग ही कुछ वाइब आएगी, अलग ही कुछ मजा आएगा। फिर मैंने मतलब गाना स्टार्ट किया तो एक दो गाने पहले मैंने रिकॉर्ड किए, वो उतने बेस्ट नहीं हुए, तो उसके बाद ही कम से कम अभी ऑलमोस्ट 10 सॉन्ग मैंने अपलोड किए हैं कश्मीरी। बहुत अच्छे व्यूज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया तो थैंक यू। मत सताओ हम ड्राइवरों को, हम भी तो इंसान हैं। मत सताओ हम ड्राइवरों को, हम भी तो इंसान हैं। परदेशी हुए तो क्या हुआ, परदेशी हुए तो क्या हुआ, वतन तो हमारा भी हिंदुस्तान है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा मतलब इंडिया में ट्रक ड्राइवर को बहुत छोटी नजर से देखा जाता है, इसीलिए मैंने ये लाइन बताई, मत सताओ हम ड्राइवरों को, हम भी तो इंसान हैं। परदेशी हुए तो क्या हुआ, वतन तो हमारा भी हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी भाई हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आप देखते रहे और सुनते रहे हमारा रेडियो 89.6 FM पैगाम शो, हमारे दिलों की धड़कन।